हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कबल ब्लॉक में एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। तो आप जैसे कि आप हमारा अगर डेली ब्लॉग देखते हैं तो आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से हमारा कोई ऐसा ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि कुछ मसले मसाइल की वजह से हम अपना ब्लॉग डाल ना सके और कोई रूटीन आपसे शेयर ना कर सके, कोई बात आपसे शेयर ना कर सके। तो इस वक्त भी कोई ख़ास समय पर मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी रूटीन नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे घरेलू रूटीन में आज शेयर करने को हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो गाइस, ये देख सकते हैं मैं बनाने लगी हूँ चिकन। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, ये देखिए मैं सारा मिट्टी कर सिर्फ ऐसे ही ले कर बैठी हूँ। सारी चीज़ें मैं ले कर बैठी हूँ, धनिया वगैरह सारी, ये देखें सब कुछ लेके बैठी हूँ। और चाय मैंने तकरीबन बना ली है, चाय भी हम पी रहे हैं, ये देखिए चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में हो रहा है शदीद दर्द, मेरा बीपी हो रहा है हाई। पिछले 2-3 दिन से मेरा बीपी बहुत हाई है, जिसकी वजह से अगर मुझे चाय ना मिले इस टाइम पे आके तो मेरा सर और मज़ीद दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से पहले मैं चाय बनाती हूँ, इसके बाद मैं कुकिंग करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ पकाती हूँ। तो मैंने तो इनसे बोला था कि मैंने गोभी आलू खाना है, लेकिन ये लिया है चिकन और आलू। मेरा गोभी वाली का मूड था, सब्ज़ी वाला आया था, लेकिन मैंने सब्ज़ी नहीं ली। मैंने सुकून लेट गई थी और कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं लेट गई सुकून से। तो जब ये वापस आया तो मैंने इनको बोला कि आप कुछ पकाने के हैं, और ये ले आए सब्ज़ी के बजाय ले आए चिकन। तो किरण कह रही थी मम्मा पापा को मना करें कि चिकन ना लेके आए, लेकिन ये लिया चिकन। मेरे को नहीं पता था कि चिकन ले आएंगे, मैंने कहा था गोभी लेके आए और चिकन ले आए। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन आलू, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ऐसे आप देख सकते हैं हमारी चली गई इस वक्त लाइट, तो मैंने नेट भी लगा ली है रात के लिए, पहले से लगाई हुई थी क्योंकि जरी सोई हुई थी और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखें लाइट जा चुकी है और तकरीबन 8:30 तक हमारी लाइट वापस आएगी। तो मैं अब चलती हूँ किचन की तरफ। तो किचन में देखती हूँ कि मैंने जो पकाने के लिए रखा था सालन वो पका है कि नहीं पका। मैंने आपको पकते हुए ना दिखाया ना आपने से मैंने इस बात के लिए वीडियो शेयर की, क्योंकि मेरी बहन आई थी, बहन रजी आई हुई थी, और मैं उससे बातों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैं भूल गई थी आपसे इस बात की वीडियो शेयर करना और बनाने की शेयर करना। तो ये देखें अभी तकरीबन इसमें शुरुआत है और आलू अभी तक गले नहीं हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें पानी ऐड किया है और ये ऐड हो गया है पानी इसके अंदर। और चिकन मैंने अच्छी तरह से भून के मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह से डाल लिया था, क्योंकि प्याज में अच्छी तरह से भून जाए चिकन तो उसकी महक होती कि स्मेल होती वो चली जाती है। और ये मैंने इसके ऊपर इसको कर दिया है कवर। और ये देखिए मैं धनिया इसमें तकरीबन काट के रख दिया है, आप जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें धनिया ऐड कर लूँगी। और उसके बाद इस वक्त घर में कोई नहीं है, किरण वॉशरूम में है और मैं घर में इस वक्त अकेली हूँ और जुहेब अभी तक जॉब से वापस नहीं आया। तो गाइस लाइट की वजह से हमारे घर में हर तरफ अभी अंधेरा हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं हर तरफ अंधेरा है और रोशनी कहीं भी नहीं है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आज का व्लॉग मैं आपको कवल व्लॉग से वेलकम करती हूँ। देखें रात को अभी मैं बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि खाना नहीं था, सालन भी नहीं था, चाय बनी हुई थी, मैंने बिस्किट लाए। सालन बना नहीं है अब तक, सालन पका नहीं है, इसलिए जरिश खा रही है बिस्किट। जरिश की हालत बहुत ज़्यादा हो रही है ख़राब, मैंने जरिश को बोला था नहा लो, लेकिन एक बार खेलने चली गई, फिर बाद अभी ये आई है। तो मैंने इसको बोला जरिश आप नहा लो, तो इसने बोला पहले मुझे भूख लगी है मुझे चाय दे दो। तो चाय के साथ ये खाने लगी बिस्किट नहीं कि बाहर खानी बिस्किट खा रही है, सुपर बिस्किट है ये खा रही है। और उसके बाद मैं इसको कह रही हूँ और ये भी चाय के साथ खाते हैं, ये चाय के साथ खा रही है। और इसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी ताकि ये फ्रेश हो जाए, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। तो गाइस थोड़ी देर बार बार बता रहा हूँ। तो गाइस ये हो चुका है सालन रेडी बिल्कुल। और जरिश आप क्या लेके बैठी हो? ये पापा मेरे लिए लाए हैं, ये यहाँ से अच्छा है, कीबोर्ड है, म्यूजिक बेल वाला कीबोर्ड है। और ये बाकायदा इसके पीछे जरिश लाइट भी जलती है, जी लाइट भी जलती है यहाँ से, यहाँ से लाइट ऑन होती है। ये पीछे बैक पे दिखाओ जरा लाइट कैसे जल रही है, पीछे दिखाओ। और ये हो रही है लाइट, इसमें नहीं पता चला ये जल रही है इसकी लाइट। और ये जरिश के लिए आज इसके पापा लेके आए कीपैड, म्यूजिक कीपैड लेके आए। और जरिश आपको अच्छा लगा? यस।
आप खुश हो बहुत? पापा तो मेरे लिए हर रोज चीज लाते हैं। लेकिन जरीश का रिजल्ट इस दफा बहुत गंदा आया है, फिर भी जरीश को गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट मिल गया। तो अब हम खाने लगे हैं रोटी, खाना खाने लगे हैं। तो ये सारे बैठे हैं अपने अपने कामों पर लगे। ज़ेब अभी आया है और ये देखें विलियम क्या कर रहे हो आप? बना रहा मम्मी। अच्छा ये बनाने की कोशिश। अच्छा किरण को बोल रहे थे कि बना दो। तो किरण कैसी हो आप? मैं इस साइड पे आओ, उधर बल्ब की रोशनी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कैसे, उम्मीद करते हैं आप तमाम ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जो है ना वो भाई विलियम कह रहे थे मुझे वो बना के दो क्यूब ना। तो हमारा पहला जो व्लॉग था जरीश व्लॉग, उसमें मैंने बना के भी दिखाया था, ट्रिक्स भी आप लोगों को दिखाई थी कि कैसे बनता है वो। तो मैं उसको प्रैक्टिस में नहीं था मेरे, मतलब प्रैक्टिस में रहती है ना चीज़ तो अच्छी बनती है, मेरे प्रैक्टिस में नहीं था। तो उस वजह से मैंने काफ़ी लेट बनाया है, पर मैंने उनको बना के दिखा दिया, वो कह रहे तुमसे नहीं बनेगा। मैंने उनको बना के दिखाया, वो दो स्टेप बस गलत करके ना, तो उसको वापस सही करके बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम सब खाना खा के फारिग हो चुके हैं और ये देखें ज़ेब चला रहा है मोबाइल, और जरीश लगी है अपनी कीबोर्ड बैल के साथ, ट्यून के साथ, और ये भी बैठे हुए हैं। तो ज़ेब, आज आपका काम पे दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई थी होगी। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।